chairman for giving this opportunity. Chairman, this is a historic bill brought to a historic decision taken by a prime minister and honorable home minister Sri Amit Shah ji. I raise to support this bill on behalf of our party, Telangana Raj Samiti. जो भी हिस्टोरिक का जो ब्लंडर्स होता है उसको इसी तरह से जो है करेक्ट भी करने का जरूरत पड़ता है और उसको करेक्ट करने के लिए बिल आया है, बहुत खुशी का बात है। अभी मॉर्निंग में हॉनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने बिल के बारे में जब डिस्कस करने का टाइम में दोनों तरफ में कुछ बात आया है, उस टाइम में एक बात हॉनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने बताया है, जो भी पीओके, जो अभी पीओके बारे में भी बात करते हुए वो भी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बोल के बताया है। हम तो होम मिनिस्टर साहब को हम यही बोलना चाहता है, साहब ये पीओक्यू निकाल दीजिए, ये आईके को करिए, इंडियन कश्मीर को उसको करवा दीजिए, आपके लिए सेकंड स्टेप अभी रेडी है। इसका बाद सेकंड स्टेप आप उसको जो है लेना पड़ेगा, उस तरह से उसको लेके आइए। और कुछ लोग जम्मू कश्मीर का, हैदराबाद का, जानगढ़ का बारे में भी बता रहा था, जब वो बात करने का टाइम में सरदार पटेल जी का, नेहरू जी का बारे में भी दोनों तरफ का बात सुना है, वो हिस्ट्री है, वो खत्म हो गया। अभी हम लोग सब ये एग्री किया, वो मिस्टेक हुआ, वो मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए तो ये बिल आया है। उसने उसको जो बिल में जिस तरह से अपना होम मिनिस्टर साहब ने जो प्रामिसेस किया है, कल भी हम राज्यसभा का गैलरी में बैठ के होम मिनिस्टर साहब का हर एक बात को हम सुना है। वो सुनने के बाद बिल को अगर हम लोग सपोर्ट नहीं करें तो देशवासी कश्मीर लोग हम लोग को छोड़ेगा नहीं है, वो सोचेगा ये लोग जो है ना देश के विरोधी बोल के सोचेगा, ये सोचेगा ये कश्मीर का विरोधी बोल के सोचेगा, उसलिए बिल को मदद करने का जरूरत है। ये जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल में पार्ट टू में बिल में दो इश्यू को डिटेल में तो हम नहीं जाएगा, हमारा पार्टी का टाइम हमको मालूम है। उसमें पार्ट टू में एक तो फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेशन, वो एक मुद्दा है। सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर विथ लेजिस्लेशन, ये दोनों का बारे में डिटेल में जो है बिल के बारे में बताया। मगर कल होम मिनिस्टर साहब ने जिस तरह से राज्यसभा में बताया, पूरा मीडिया में भी आया, ये भी आने वाला टाइम में 5 साल का अंदर फुल फ्लेज्ड असेंबली को लेके आएगा, ये भी बहुत जो है ना अच्छा बात है। ये बात पूरा जो है कश्मीर का जो लोग पूरा खुशी हो जाएगा, आने वाला टाइम में उसका राष्ट्र को पालने के लिए पूरा अधिकार और राष्ट्र को दे रहा है, ये भी जो है ना बहुत अच्छा बात है। उसके साथ साथ कल जब बात करने का टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट का, डेवलपमेंट के, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बारे में, दलित आदिवासी का रिजर्वेशन का बारे में भी होम मिनिस्टर साहब ने बताया। साहब इसमें एक हमारा साथ, हम जो पहले भी 15th लोकसभा में हम ये हाउस का मेंबर था, जब हाउस चलने का टाइम में, जब हाउस चल रहा था उस टाइम में कश्मीर में करीब करीब 300 बच्चा लोग जो है ना मरा हुआ है। ये हाउस में उस टाइम में फारूक अब्दुल्ला साहब था, हम लोग सब ये डिसाइड किया था, जब एक तरफ से हाउस चल रहा है दूसरे तरफ से उधर बच्चा लोग मर रहा है, उसने हाउस में ये डिसाइड किया है, पूरा लीडर्स को लेके हम लोग जो है ना कश्मीर में गया है। कश्मीर में जाने के बाद हर एक सेक्शन का आदमी लोगों के साथ डिस्कस किया है, उसमें सुषमा स्वराज भी था, मैडम अरुण जेटली साहब था, बालू साहब तो अभी नहीं है, बालू साहब भी था,
रामविलास पासवान जी साहब था, सीताराम येचुरी साहब था, हमारा मित्र वैसे साहब भी था। हम लोग जो है तीन दिन जो है ना हर एक सेक्शन का आदमी से कश्मीर में बात किया है, स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन हुआ है, यूथ का साथ डिस्कशन हुआ है, ट्रेडर के साथ डिस्कस हुआ है, कॉमन पीपल का साथ डिस्कस किया है। ये सब डिस्कस करने के बाद वो लोग जिस तरीके जो ना हम लोगों को बताया, बोला इधर कोई डेवलपमेंट नहीं है, पहले टूरिज्म था, अभी टूरिज्म पूरा ठप हो गया, इधर अनएम्प्लॉयमेंट है, कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। ये सब जो ना बात हम लोगों का टीम का साथ जो है ना हम लोग का बात सामने आया था। हम लोग वहां से वहां तक हम छोड़ा नहीं है, जो हम लोग का ये हरियत कॉन्फ्रेंस का जो लीडर के साथ भी हम लोग बात किया है, उस समय एक एक टीम एक एक आदमी लोगों के पास भेजा था। हमारा टीम में जो है ना वैसे साहब भी था, सीताराम येचुरी साहब भी था, हम लोग चार आदमी जब 144 सेक्शन रहते हुए हम लोग जो है सबका बात करके किसी तरीके से ये कश्मीर का इश्यू को खत्म करने के लिए हम लोग सब प्रयास किया है। ये 2010 में था, अभी नाइन ईयर्स हो गया, ये 9 साल में कुछ नहीं होने की वजह से कश्मीर जो है ना वो एक अवकाश जिस तरह से 15th लोकसभा में सब लीडर्स को लेकर जाके बात करके इसके बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं आया। आज के दिन में जो है ना सोल्यूशन जो है ना अभी ये हाउस में ये सोल्यूशन जो है ना कश्मीर का मुद्दे के ऊपर जिस तरह से जो ना ये 370 को खत्म करने के लिए जो लाया है वो बहुत खुशी का बात है। कल कुछ लोग बोल रहा था कल तो 5th को उधर राज्यसभा में बिल पास हुआ था, 6th को तो जो है ना वो पास हुआ बिल की दर्जा लगा है, कल तो बहुत लोग बोल रहा था, अभी भी कुछ लोग बोल रहा था ये तो जो है ना काला दिन है। हम तो बोलेगा ये काला दिन नहीं है, क्रांति दिन है, विकास का दिन है। ये काला दिन कैसा होगा अगर उधर कश्मीर अपने भाई बहनों को, माइनॉरिटी पीपल को, मुस्लिम लोगों को और हर एक तरीके का जो लोगों को अगर डेवलपमेंट देते हैं तो कैसा काला दिन होगा, एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो कैसा काला दिन होगा, उसका जो है ना इंडस्ट्रीज लगाए तो कैसा काला दिन होगा। उसलिए ये काला दिन नहीं है, ये क्रांति दिन है, ये विकास का दिन है, उसको जो है ध्यान में रखने का जरूरत है। उसी तरीके से हम लोग हर एक टाइम में स्टेट्स को छोटा होने से डेवलपमेंट ज्यादा होगा बोल के हमारा लीडर केसीआर साहब का जो व्यू था, उसलिए तेलंगाना भी जब देने के बाद आप लोग देखा है 5 साल के अंदर तेलंगाना में अभी इंडिया में 1 स्टेट है जो डेवलपमेंट का विषय में। हम लोग जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी किया है, फार्मर्स का भी डेवलपमेंट किया है, उसका इलेक्ट्रिसिटी जो है ना हम लोग का 24 आवर्स अभी अवेलेबिलिटी है, और इस तरह से जो है ना सब डेवलपमेंट जो जिस तरह से जो ना छोटा स्टेट होने की वजह से जो हुआ है उसी तरह से अभी जो भी यूटी जो बनाया ये डेवलपमेंट जो है जरूर जो है ना करने के लिए ये बिल्कुल इसलिए हम लोग मदद कर रहा है। कल अमित शाह साहब ने ये बताया था हम 5 साल के अंदर कश्मीर को 1 करके दिखा देगा डेवलपमेंट में, उसलिए हम लोगों मदद कर रहा है। वहां का जो यूथ को, वहां का जो मुस्लिम का, माइनॉरिटी का, हिंदू का, सिख का जो यूथ को नौकरी देगा बोल के बोले उसलिए हम लोग मदद कर रहा है। ये डेवलपमेंट का मुद्दा को वो लोग अभी तक जो है ना कश्मीर में वो डेवलपमेंट नहीं था, उसलिए आज के दिन में उस वादों का वजह से हम लोग जो है ना पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम तो यही बोलना चाहता है अगर पहले हम लोग अगर कश्मीर का याद आए तो हर एक टाइम में हम लोग ये सोचता था कश्मीर जो है एक पैराडाइज ऑफ अर्थ और उतना ब्यूटीफुल जो है ना कश्मीर वैलीज का साथ, रिवर का साथ, माउंटेन का साथ, सीनरीज का साथ, अभी इतना सुंदर कश्मीर को हम लोग जो है ना बचा नहीं पाए इतना दिन से। यह दुख का बात है, सब लोग उस लाइन में सोचना चाहिए। हमको अभी पूरा उम्मीद है जिस तरह से होम मिनिस्टर साहब ने उधर का हाउस को और आज भी जो है ना जरूर जो है ये बातों को सबको जो है वो इधर भी बात करेगा और उसी वादा से वो लोग का पूरा विश्वास के साथ
आने वाला टाइम में भी हम लोग सब ये जो है ना कश्मीर का डेवलपमेंट में हम लोग का पार्ट होना चाहिए, हम लोग का विकास होना चाहिए। और लोग भी सोचना चाहिए हम भारत का आदमी है, कश्मीर बोले तो इतना प्यार का आदमी है। हम तो दो दफा गया था साहब, एक तो लीडर्स के साथ गया, एक दफा मीडिया को सुन लेके गया। कश्मीर का लोग इतना प्यार का आदमी है, इतना प्यार देता है वो लोग। ऐसा ऐसा लोगों का साथ इतना दिन जो ना जो अन्याय हुआ है उसको ले हम लोग जो है बिल्कुल पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर।